क्या अयोध्या के लोग राहुल गांधी को पीएम के रूप में देखते हैं या फिर प्रियंका वाड्रा से ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने यहाँ पर रैली अभी वो आई थी और बहुत भीड़ थी और लोग प्रियंका को इंदिरा गांधी का दूसरा रूप के रूप में लोग मान रहे हैं। राहुल से लोग प्रभावित कम है लेकिन प्रियंका गांधी से लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। अच्छा, ये राहुल और प्रियंका के को साथ साथ रखूं तो आप किसको प्राथमिकता देंगे? अब प्रियंका का वो जो फेस है इंदिरा से मिलता जुलता, लोगों का ध्यान वहां चला जाता है कि तो इंदिरा वाला रूप है। इस वजह से चाह प्रियंका की तरफ है, भले वो राजनीति में सक्रिय न रही हूँ लेकिन रुझान उधर जाता है, राहुल के बनस्पत प्रियंका को ज्यादा जाता है। अच्छा, मतलब आप ये कहते हैं कि राहुल के बनस्पत प्रियंका को ज्यादा अयोध्या के लोग पसंद करते हैं, आपका भी मैं मत जानना चाहूंगा इस पर। नहीं, राहुल जी से कहीं योग्य हैं प्रियंका। कैसे, मतलब आप साथ साल एक एक चीज ये भी कह रहे हैं कि राहुल जी योग्य नहीं हैं? योग्य मतलब प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि स्पष्ट दिखाई पड़ती है। नहीं तो मतलब छवि के आधार पर, मतलब अगर अगर किसी से मतलब शक्ल मिलती है तो ये पैमाना तो मुझे कमजोर लगता है थोड़ा सा। हाँ कमजोर है लेकिन बोलने में भी उसकी शैली जो है ना वो इंदिरा जैसी है, तो लोग आस्था विश्वास का ये जो दिया आस्था विश्वास कर लेते हैं कि यह बढ़िया नहीं। अच्छा, ऐसा है। आप एक आध जो चीज आपको मतलब प्रियंका गांधी में अच्छी लगी? देखिए, प्रियंका गांधी के बोलने की जो शैली है वो इंदिरा जी से कुछ मिलती जुलती है और उनकी जो भाषा होती है वो नपीतुली भाषा होती है और अपने भाषण में वो किसी का विरोध नाम लेकर कभी नहीं की। अब कांग्रेस में राहुल गांधी की मान्यता होती है कि बार्गेनिंग होती है, निगोशिएशन होता है कि भाई राहुल नहीं स्वीकार है सोनिया जी बन जाए, राहुल नहीं स्वीकार है प्रियंका जी बन जाए। अब उसमें पार्टी डिपेंड निश्चय ये निर्णय लेगी कि नहीं नहीं हमारे नेता राहुल गांधी ही रहेंगे। अब उस पर क्या निगोशिएशन होता है, क्या कंप्रोमाइज होता है, राजनीति में चाटने के लिए कभी कभी थूक के मजबूरी में चाटना पड़ता है, कभी कभी हम थूकते ही हैं चाटने के लिए।